ये तो हमें तबाह करके रख दिया हमारी पॉलिसीज़ ने। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। लोगों की जानें गई, जिनके कारोबार गए, गाड़ियां तबाह हुई, फैमिली मेंबर टूट गए, ये हमारी अपनी ही पॉलिसीज़ की वजह से सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान में भी जो अजीब लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। मुझे देख के बड़ा दुख भी हुआ कि एक पीटीआई की खातून है, वो एक टीवी में बैठी हुई है और वो कह रही हैं कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान को इंडिया से जो है कश्मीर आजाद करा के देंगे। और वो बड़ी हैरानगी वाली और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरह तालिबान की मदद ले सकता है। और एंकर ने उनकी बहुत ज्यादा सुबकी भी की और उनको समझाने की भी कोशिश की और वो बजीद थी अपनी बात के ऊपर। तालिबान का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। तालिबान हमें दुनिया पहले ही इल्जाम लगा रही है कि हमने तालिबान को पैसा देते हैं, लड़ते हैं, उनके लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली तालिबान एक अपनी फोर्स है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि तालिबान कश्मीर में आए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक नई स्ट्रगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो जो पाकिस्तान से एसोसिएट हो। हमने माजी में करके देख लिया, उसका हमें क्या नुकसान हुआ। हमारे एक तरफ हमने लाखों जो है वो अरबों डॉलर जाया कर दिए, लाखों हजारों जवान अपने शहीद हो गए, मुल्क का कबाड़ा निकल गया, आपका सारा सोशल फैब्रिक तबाह होकर रह गया। ये तो हमने कभी असेसमेंट ही नहीं ना कि हम तो और चीजों में पड़े हुए हैं। कभी काश के मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई फेयर लोग इस चीज की असेसमेंट करें कि हमारे मुआशरे को क्या नुकसान पहुंचा है, हमारा मुआशरा कितना तोड़ फोड़ के रख दिया गया है सिर्फ इस बात पे कि हम तालिबान का साथ देते रहे हैं। और हमारी जो मुआशरे के अंदर जैसे कहते हैं ना, जो एक पिटफॉल्स होते हैं कल्चर के, जिस तरह ड्रग्स आई, क्लाशन को फाया, एक गैर जगुनी सूरत हाल पैदा हो गई और जो लोगों की जिंदगियां तबाह हुई, खवातीन विडोज हो गई, जिन लोगों ने बच्चों ने पेन पकड़ना था उन्होंने बंदूक पकड़ ली, जिन बच्चों ने बूट पहन के स्कूल जाना था वो बूट पॉलिश करने लग पड़े, लोगों की गैरत जो है वो मिट्टी में मिल गई क्योंकि उनके अबाओ अजदाद या उनके बाप या दादा जंग में मारे गए या जंगों में मारे गए और इस तरह के जो जिहाद में मारे गए, और वो बच्चे जमीन पर रुल गए, पैसे मांगते रहे और क्या क्या नुकसान नहीं हुआ। हम तो क्या इस तरह की सोच को हम दोबारा उम्मीद दे सकते हैं? देखिए, जिंदगी तो वो चल पड़ती है, हमें इन चीजों को समझना है कि हम जो अफगानिस्तान में हुआ है या जिस तरह हुआ, ये तो हमें तबाह करके रख दिया हमारी पॉलिसीज ने। और देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होती है, तो उसका अपना एक कल्चर होता है, एक मुआशरे का कल्चर होता है, जंगों का अपना कल्चर होते हैं। जब मुआशरे के कल्चर और जंगों के कल्चर आपस में मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक अजीब किस्म का कॉकटेल बनाते हैं जिसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है उस वक्त के मुआशरे को। ये मैं बड़ी इनडेप्थ बात कर रहा हूँ, मुझे इस चीज का अंदाजा है कि अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, जंग होगी, तो वहां पे क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर मेरे जो पंजाब में रहने वाले दोस्त हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ कि देखें, पंजाब में उस तरह दहशतगर्दी नहीं हुई। हाँ, लाहौर में, छोटे मोटे शहरों में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में हमले हुए हैं, लेकिन लार्जर स्केल पे पंजाब में उस तरह दहशतगर्दी नहीं हुई। तो आए पूछे जरा जो केपी में लोग थे, जो बलूचिस्तान में थे, जो सिंध में, जिस तरह कराची में जितनी दहशतगर्दी हुई है, आए उन लोगों से पूछे दहशतगर्दी क्या होती है, और हमें अंदाजा होगा कि जिन लोगों की जानें गईं, जिनके कारोबार गए, गाड़ियां तबाह हुई, फैमिली मेंबर टूट गए, ये हमारी अपनी ही पॉलिसीज की वजह से सारा कुछ हुआ। हमने फिर उसको ठीक करने की कोशिश की, ऑब्वियसली चलो ठीक तो वो हो गया, दहशतगर्दी की जंग भी लड़ ली, लेकिन मुआशरे का तो एक दफा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, उस पर तो सारी बात है, कोई भी बात नहीं करेगा और कभी उस पर हम एड्रेस भी नहीं कर सकते एक चीज को। लेकिन जो क्वेश्चन है कि ये खातून जो हैं, ये उनको बताया जाए और इनकी पार्टी को बताया जाए कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की मदद को आना भी चाहे तो नहीं लेनी चाहिए,
और ना ही वो पाकिस्तान की मदद को आएंगे, वो बड़े स्मार्ट और सियाने हैं, वो कोई पाकिस्तान के कहने पे कहीं और जाके दूसरे मुल्क में कोई जंग शुरू नहीं कर देंगे या वहां पे कुछ जहाज शुरू नहीं कर देंगे, वो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। और वैसे भी जंगें आपको खुद ही लड़नी पड़ती हैं, कोई दूसरा किसी के लिए जंग नहीं लड़ता। तो तालिबान जो है वो कोई पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेंगे, ना ही कश्मीर में ऐसा कुछ होगा, ना ही कोई ऐसा प्लान है और ना ही कुछ ऐसा हो सकता है। कश्मीर का एक अपनी स्टेटस है, वो एक अपनी पोजीशन है उसकी, वो जब वक्त आएगा हालात बेहतर होंगे तो अभी मजीद क्लैरिटी होगी। अभी तो हमें पता है कि कश्मीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जिस तरह हमें मुस्लिम दुनिया ने छोड़ दिया और इस्लामिक वर्ल्ड ने हमारे कश्मीर के स्टैंड को फॉलो नहीं किया, OIC ने फॉरेन मिनिस्टर का इजलास नहीं बुलाया कश्मीर के ऊपर, तो आप इमेजिन कर लें कि क्या जो डिप्लोमेटिकली डिबैकल हुए हैं, वो तो एक और चीज है। लेकिन अगर इस तरह की खवातीन बातें करेंगी अपने फॉर फ्यू ब्राउनी पॉइंट्स टू गेन एंड मुआशरे में ये कहने के लिए, देखें मैं तो ये काम किया, देखो मैं कितनी ज्यादा वो हूँ, मैंने भारत के खिलाफ बात की है, भारत के खिलाफ बात करते करते बेशक अपने ही मुल्क का नुकसान करा लें, सो एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड के मुआशरा क्या है, इन्वायरमेंट किस तरह के हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी मच क्योटिक सिचुएशन, और आए अपने बच्चों को इस तरह की गलत सोचें ना दें।